वैश्विक मंदी और संकट की आशंकाओं के चलते दुनिया भर के शेयर बाजार सहमे हुए हैं, लेकिन अब यह संकट थोड़ा हटता नजर आ रहा है। ग्लोबल मार्केट से मिल रहे सपोर्ट और स्थानीय स्तर पर कुछ बड़ी कंपनियों के शेयरों के बेहतर परफॉर्मेंस के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी दोनों ने आज शुक्रवार को कारोबार की काफ़ी अच्छी शुरुआत की है। कारोबार की शुरुआत होते ही BSE सेंसेक्स ने आज 500 अंक से ज़्यादा की छलांग लगाकर एक बढ़िया शुरुआत की है। भारतीय शेयर बाजार आज प्री ओपन सेशन से ही काफ़ी मजबूत बना हुआ था। प्री ओपन सेशन में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही अपनी मजबूती में थे। सेंसेक्स 400 अंक से ज़्यादा की बढ़त के साथ 57,250 अंक के पार कारोबार कर रहा था, तो वहीं निफ्टी भी प्री ओपन सेशन में करीब 150 अंक के फायदे के साथ 17,080 अंक के आसपास बना हुआ था। सुबह के करीब 9:20 पर सेंसेक्स ने करीब 600 अंक मजबूत होकर 56,450 अंक के आसपास कारोबार करता देखा गया। वहीं निफ्टी भी करीब 180 अंक की बढ़त के साथ 17,110 अंक के आसपास कारोबार कर रहा था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले दिन यानी गुरुवार को कारोबार समाप्त होने के बाद सेंसेक्स 1,041 अंक की छलांग लगाकर 56,857 अंक पर बंद हुआ था। इसी तरह से निफ्टी भी 287 अंक की बढ़त के साथ 16,929 अंक पर बंद हुआ था। तो वहीं इसके अलावा बुधवार को सेंसेक्स 547 अंक मजबूत होकर 55,816 अंक पर बंद हुआ था और निफ्टी 157 अंक की बढ़त के साथ 16,641 अंक पर रहा था। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।